तो चलिए नमस्कार भाई लोग, इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह वर्का। किशन भाई लोग, आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता है काफ़ी सारी वीडियोस पर हम लगातार अपडेट आप लोग तक पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों को 31 अक्टूबर के पहले जो है फॉर्म का काम कंप्लीट कर देना है, नए किसानों को भी पुराना किसानों को। और इस बार क्या है कि भाई आप लोग को नॉमिनी देना जरूरी है। फॉर्म में भी चेंजेस हो गए हैं, पुराना फॉर्म आपको नहीं चलेगा। बहुत सारे वीडियोस पर यूट्यूब पर बताया जा रहा है, पुराने फॉर्म को दिखाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये वाला फॉर्म लगेगा, इसको ऐसे भरना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लेकर आ गया हूँ सहकारी समिति से सीधे जाकर ये नया वाला फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे नीचे ये नॉमिनी वाला ऑप्शन देख रहे हो आप लोग, ये नॉमिनी के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं लगेगा। ये जो फॉर्म है किसान के जो पंजीयन वाला फॉर्म है ना, तो इसके नीचे ही आप लोगों को नॉमिनी का ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर नॉमिनी का डिटेल आप दे करके अपने जो पंजीयन है उसमें नॉमिनी का नाम ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी वीडियो पर बनी रहिए। और ये जो फॉर्म है ये आप लोग कैसे ले सकते हैं, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इसी वीडियो पर बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो पर बने रहिए। और हमेशा की तरह एक ही गुजारिश यार, अगर आप किसान हैं तो बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज लगातार हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए भाई, ये जो फ्रंट कैमरा है इसको मैं बंद करता हूँ, इसका बैक कैमरा चालू करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म आपको दिखेगा और फॉर्म में सबसे ऊपर देखें तो किसान का नाम है। एक डिब्बा में एक अक्षर लिखेंगे आप लोग हिंदी में, ठीक है। नाम के बाद जो सरनेम आता है तो बीच पर आप लोगों को एक डिब्बा छोड़ देना है भाई, ठीक है। इस तरह से नीचे पिता पति का नाम भी लिखेंगे, है ना, और नीचे निवास का पता लिखेंगे। उसके बाद गांव का नाम लिखेंगे, कौन सा गांव से है आप लोग, विकासखंड, फिर जिला। उसके बाद कुल आधारित रकबा हेक्टेयर में लिखेंगे कि आपके पास कितने हेक्टेयर है करके, है ना। उसके बाद कृषि योग्य रकबा हेक्टेयर में जहां आपने कृषि काम किए हैं, फसल वगैरह लगाए हैं, तो उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद पड़त भूमि हेक्टेयर में लिखेंगे, जहां पर आपने कोई फसल नहीं लगाया है तो उसकी जानकारी देना होगा। एकीकृत किसान पंजीयन क्रमांक अगर आपके पास है तो लिख सकते हैं, अथवा नीचे किसान का आधार नंबर भी दे सकते हैं डिब्बे में। उसके बाद समिति का नाम लिखेंगे, जो समिति से आप सहकारी समिति से आप लेन देन कर रहे हैं, आपके नज़दीकी जो सहकारी समिति है उसका नाम। फिर सदस्य क्रमांक लिखेंगे, अगर आप लोगों को पता है तो लिख सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। और ये नीचे सातवां का जो बिंदु है, सातवां बिंदु वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे किसान भाई लोग का इधर कन्फ्यूज है, बता रहे हैं कि कैसे भरना है। तो भाई देखो, इसको इसके लिए आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। समिति वाले ने बताया कि जब आप किसान भाई जो डॉक्यूमेंट आप लोग देंगे ना समिति में जमा करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड V1 है ना, एक खसरा वगैरह जो सारे डिटेल आप लोगों दोगे, P2 वगैरह सारी चीज़ें, वहाँ पर किसान का सारी जानकारी रहता ही है। तो स्वयं जो समिति वाले हैं उसको भर देंगे, किसान के सामने ही भरेंगे, ठीक है। तो किसान का जो डॉक्यूमेंट लेंगे ना, तो जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उस डॉक्यूमेंट जो डिटेल रहेगा उसको यहाँ फिल किया जाएगा समितियों के माध्यम से। क्या होता है कि किसान भाई इधर कोई गलत उलत कर देते हैं, फिर उसको लिपापोती कर देते हैं, तो इस तरह से जो फॉर्म है उसका सेव बिगड़ जाता है भाई। तो इसलिए उनका कहना है कि किसान को सामने बिठाया जाएगा और उसके जो जानकारी है इधर, जैसे कि खसरा क्रमांक, रकबा, नाम, ये सारी चीज़ जो है डिटेल भरा जाएगा। सेम नीचे के भी इसका यही कहानी है, ठीक है। अब बात आता है नौवीं नंबर की, देख लो आप लोग, है ना। धान विक्रय हेतु नॉमिनी नामांकन विक्रेता आवश्यक है और नॉमिनी संबंधी विवरण इधर आपको भरना है नौवें नंबर पर। तो इधर क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं, दर्ज किया गया है नॉमिनी आधार नंबर समिति में किसी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, समिति का कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो क्रमांक एक लिख देना उधर, उसके बाद नॉमिनी का नाम पर आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में लिखना है भाई, जिसका नाम है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसका नाम आपको अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद उम्र कितने साल का है तो उसका भी आपको लिखना है। उसके बाद नॉमिनी का संबंध क्या है, नॉमिनी से संबंध क्या है, जैसे आप अपने बेटे को अगर नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें पिता पुत्र लिख सकते हैं, जैसे आप अगर अपनी पत्नी को नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो पति पत्नी लिख सकते हैं, बेटी अगर आपकी है उसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो है ना पिता पुत्र, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसका आधार नंबर लिखेंगे इधर, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और पता लिखेंगे जो भी। उसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर में अपना हस्ताक्षर कर देंगे, आधार नंबर उपयोगिता सम्मति पत्र आपको भर देना है, घोषणा पत्र नीचे देख सकते हैं मैं, उसके बाद अपना नाम लिख देंगे किसान का, और इधर ऊपर देख सकते हैं राइट हैंड साइड दो जगह आपको सिग्नेचर भी लगेगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, जो प्रमाण पत्र में जो संलग्न कर रहे हो आप लोग जेरोक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपी, उसमें आ गया ऋण पुस्तिका, B1, आधार और स्वघोषणा पत्र केवल संयुक्त खातेधारक किसानों के लिए है। अगर आपके पास संयुक्त खाताधारक नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो ऋण पुस्तिका, B1, आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेगा, इसके अलावा भी कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं। तो और ऊपर जो राइट हैंड साइड तीन जगह जो हस्ताक्षर मांग रहा है आवेदक के हस्ताक्षर, वहाँ आप लोग को हस्ताक्षर कर देना है।
तो भाई डॉक्यूमेंट की बात करें तो यार देखो ऋण पुस्तिका B1 आधार ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, संयुक्त खाताधारक के लिए घोषणा पत्र लगेगा। तो भाई क्या है कि अगर आपके पास जो खेती किसानी रकबा भूमि जमीन किसान संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा है ना, जो मांगेगा जो जरूरत पड़ेगा उसको जेरॉक्स करके आप दे दीजिएगा। ये जो नॉमिनी रहेगा नॉमिनी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगेगा। बैंक खाता और मोबाइल नंबर नहीं मतलब मांगा गया है, फिर भी आप रखे रहिए, अगर मांगते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। इस साल जो है काफ़ी सारे नए नियम लाए गए हैं, तो भाई आप लोगों को मोबाइल नंबर भी मायने रखता है इस बीच है ना, तो मोबाइल नंबर भी आप लोगों का सही होना चाहिए, तो सही वाला मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा उधर। और तो चलिए पेज 1 का काम खत्म हो गया है और पेज 2 पर चलते हैं और इधर आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर आप लोगों को भरने की आवश्यकता नहीं है, है ना भाई, ये केवल समिति के उपयोग के लिए है। देख सकते हैं आप लोग वहाँ लिखा है केवल समिति के उपयोग के लिए, तो समिति वाले इसको भरेंगे है ना। और नीचे पावती है, इसमें किसान का नाम और पिता का नाम, ग्राम, ये सारे चीज़ें डिटेल है, विकासखंड, सहकारी समिति का नाम और कर्मचारी का नाम और उनका हस्ताक्षर रहेगा। ये पावती आप लोग को देंगे उन लोग, ठीक है। तो किसान भाई ओवरऑल इस तरह से आप जो फॉर्म है उसको भरना है सारे चीज़ डॉक्यूमेंट को लेकर है ना, और आप लोगों का जो सहकारी समिति है वहाँ पर जाकर आपको जमा करना है। तो भाई लोग अब बात करते हैं जो फॉर्म है आपको कहाँ से मिलेगा। तो भाई ये जो फॉर्म है आपका अपने सहकारी समिति से ही मिल जाएगा, आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सहकारी समिति जाएं, वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना ही चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप ले ले रहे हैं ईट से छत्तीसगढ़ बोल के सर्च करना टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, वहीं से PDF में डाल दूंगा। एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोग को अगर अवेलेबल हो पाएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि आप अपना जो सहकारी समिति है वहाँ पर जाना, ये फॉर्म आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, हैंड टू हैंड मिल जाएगा, ठीक। वेल तो उम्मीद करते हैं भाई आज का जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आगे भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों तक का शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवाहर, नमस्कार।